ये गाइज व्हाट्सअप। तो आज की बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 स्टीथ ब्लैक के बारे में। इसकी किस्तों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये बाइक किस्तों में कैसे पड़ेगी आपको। देख लो, मैंने लिखवा ली है शोरूम से। कैसे आप लोन करवा सकते हो, क्या कुछ फाइनेंस स्कीम है इस बाइक के ऊपर, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस होता है लोन का, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मैं अच्छे से आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊँगा कि इतनी बाइक आपको महंगी पड़ेगी और सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने शोरूम से सारी चीज़ें बनवा ली हैं, EMI वगैरह। और जो EMI है उसके लिए भाई मैंने अलग से एक वीडियो शूट कर ली है, वो वीडियो मैं जोड़ देता हूँ जिसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो ये मैं वीडियो इसके अंदर ऐड कर दूंगा, उसके साथ आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाइक आपको कितने की पड़ेगी, कितनी किस्तें पड़ेंगी, क्या कुछ है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल बताई, तो वीडियो देख लो आप। तो ये देख लीजिए क्लासिक 350 स्टीथ ब्लैक। ऑन रोड प्राइस जो इस बाइक का चल रहा है फिलहाल वो है 2,49,200 रुपये। मिनिमम जो आप डाउन पेमेंट कर सकते हो वो है 36,400 रुपये की। 19,380 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी अगर आप 36,400 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो तो। 10,470 रुपये की आपकी 2 साल की 24 किस्तें बनेंगी। 7,540 रुपये की आपकी 3 साल की 36 किस्तें बनेंगी। 6,100 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी 4 साल के लिए। और फाइल चार्ज जो है एक्स्ट्रा लगेगा आपकी डाउन पेमेंट से अलग 3,000 रुपये। मान लो 36,400 और 3,000, लगभग आपको 39,400 रुपये की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी तो आपकी ये किस्तें बनेंगी, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कितने की महंगी पड़ेगी आपको बाइक, कैसे कुछ है, ओके। और दूसरी डाउन पेमेंट है वो आप कर सकते हो 94,400 रुपये की, जिसमें अगर आप 94,400 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो उसमें भी आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे जो 14,110 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी, 7,540 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी, 5,510 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी, 4,520 रुपये की जो आपकी 48 किस्तें बनेंगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आपकी ये दो तरह की डाउन पेमेंट के अनुसार आपकी किस्तें होंगी। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ लोन करवाने के लिए। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 ब्लैंक चेक, जिस भी बैंक में आपकी जो है अकाउंट है उस बैंक के 2 ब्लैंक चेक यानी खाली चेक आपको लेके जाने पड़ेंगे। और 3 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आपको, लास्ट 3 मंथ की, मान लो आप जनवरी या फरवरी 2023 में बाइक लेते हो तो आपको लास्ट 3 मंथ की यानी कि जनवरी 2023, दिसंबर 2022 और नवंबर 2022 की बस जो आपने ट्रांजेक्शन की है वो प्रिंट करवा के लेके जानी पड़ेगी, यानी कि बैंक की पासबुक आपको प्रिंट करवा के लेके जानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल फैमिली मेंबर किसी के भी नाम पे हो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज़, अगर आप ITR या सैलरी स्लिप आपके पास तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और इस तरह की कुछ आपकी किस्तें वगैरह बन जाएंगी। मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो और ये देख लीजिए। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ थोड़ा कि अगर आप किस्तों में लेते हो तो कितनी आपको बाइक महंगी पड़ने वाली है सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, देख लो निकाल लिया मैंने। तो हम यहाँ पे जो है इस तरफ वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 94,400 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो तो मैं 3 साल का हिसाब लेता हूँ तो 5,510 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। तो 5,510 जो है यहाँ पे 10 रुपये की आपकी जो है 36 किस्तें बनेंगी। यहाँ पे हम 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतनी अमाउंट आप किस्तों में पे कर दोगे, ठीक है ना। और जो डाउन पेमेंट आप शुरू में करोगे वो है 94,400 रुपये, वो भी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि वो भी आप पे करोगे। तो 94,400 रुपये आपने पे कर दिए, मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ पे 3,000 रुपीज़ मैंने आपको फाइल चार्ज बताया था स्टार्टिंग में, तो आपका फाइल चार्ज हो गया। तो लगभग 2,95,760 रुपये की आपको जो है बाइक पड़ेगी ये देख लो। और जिसमें आप 3 साल की किस्तें करवाते हो तो इतनी डाउन पेमेंट करके 94,400 रुपये की, तो इतने की आपकी बाइक पड़ेगी। और कैश में ये बाइक कितने की है, ये रही 2,49,200 रुपये के आसपास, ठीक है। ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैश में और किस्तों में आपको कितना का फ़र्क देखने को मिलेगा। 2,49,200 रुपये मैं इसके अंदर से माइनस कर देता हूँ तो लगभग जो यहाँ पे अमाउंट निकल के आया है 46,560 रुपये आपको बाइक महंगी पड़ेगी 3 साल के अंदर, ठीक है ना। इतनी डाउन पेमेंट के अनुसार 3 साल में आपको जो है 46,560 रुपये की बाइक जो है महंगी पड़ेगी। कैश में लोगे तो आपको इतने की पड़ेगी और अगर आप किस्तों पर लेते हो तो इतनी आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी इस डाउन पेमेंट के अनुसार भी आप 4 साल 2 साल 1 साल के लिए अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने एक बार आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, बहुत से भाई बोलते हैं भाई कैलकुलेट करके ज़रूर दिखाया करो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।